भरत सिंह बेनीवाल की बात हो चाहे पवन बेनीवाल की, वो जो रहस्य है वो आपके सामने है कि जनता ने उनको कितना प्यार दिया है या जनता उनसे नफरत करती है। देखिए, जनता पे डिपेंड होता है, खुद पे इतना गमर नहीं करना चाहिए किसी को। आज मैं भी आपके बीच में हूँ, चाहे भरत सिंह बेनीवाल भी आए। जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जनता जनार्दन होती है, ये बना सकती है तो ये गिरा भी सकती है। तो हम जरूर जो विधानसभा है उसमें उतरेंगे और 100% जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट होगी उसको जीत के पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जो 3 तारीख को चोपटा के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, तो उसी का न्यूनता देने के लिए हम गांव में पहुंचे हैं। हर तरह की गांव में, जैसे चेतर गांव है इलाहाबाद के अंदर, उनमें पहुंचे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी की बातें रखी गई है। तो बात कौन आ रहे हैं उस रैली के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से? उस जो 3 तारीख की रैली है उसके अंदर बहन कुमारी शैलजा जी पहुंच रहे हैं और उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर रैली थी, उसमें भी आपने अपनी ताकत दिखाई थी, उसके बाद अब शैलजा के अंदर आप अपनी ताकत दिखाई, ये जो चेंजिंग हुई है इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और शैलजा गुट, देखिए ये गुट का जो नाम है ये विपक्ष पार्टी ने दिया है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर ऐसा कोई गुट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इतना बड़ा परिवार है, अपने अपने स्थान पे सारे मेहनत कर रहे हैं, तो सभी का एक ही जो मेन मकसद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो उन्हीं का संदेश लेके हमारी जो इस बिरादरी की नेता है और वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तो उनका उनके ऊपर भी ऊपर का आदेश है और बहन सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेके वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं। कितनी भीड़ होगी इस रैली में, कहां-कहां से लोग आएंगे? देखिए, ये एक हल्के की रैली है, इलाहाबाद हल्के की रैली है और हम गांव में गए हैं, जेतर गांव हमने कवर किए हैं, तो इलाहाबाद हल्के के लोग यहां पे पहुंचेंगे। और एक ये जो रैली है ये विशाल रैली होने जा रही है, क्योंकि ये रैली रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हम गांव में गए हैं और लोगों का उत्साह है, क्योंकि भाजपा जो सरकार है इससे लोग परेशान हो चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं, तो लोगों के अंदर जो भावना है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज जुड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को लेके और जो लोगों का सैलाब दिख रहा है, तो ये रैली रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब तक आप कितने गांवों में जा चुके हैं, बाकी कितना रह गए? मैंने हर गांव कवर कर लिया, पूरा इलाहाबाद हल्का कवर किया है और 75 गांव और इलाहाबाद शहर भी मैंने कवर किया है, तो इसके अंदर सभी गांव हमने कवर कर लिया। गांव गांव के अंदर आप गए हैं, आपने अभी बताया कि लोग खफा हैं, तो किस प्रकार से खफा लोग दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो एक तरफ दावा कर रही है कि हमने नौकरियां दी हैं और पारदर्शी तरीके से हमने पूरा सिस्टम को चलाया है, तो खफा जो लोग दिखाई दे वो क्यों खफा है, किस प्रकार से? देखिए, बीजेपी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, झूठे वायदे किए हैं। पहले इन्होंने वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, आज हमारे युवाओं को देखो कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है हमारे जो युवा है आज बेरोजगार है, तो नौकरियां होती तो आज जो हमारे युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं और नशा कर रहे हैं, तो नौकरियां होती तो शायद हो सकता है युवा नशे की तरफ ना जाते। ये आज हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जो रोजगार नहीं है तो हमारा युवा नशा कर रहा है। विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो गढ़ माना जाता है, तो इस बार क्या लगता है, ये गढ़ टूट जाएगा या फिर गढ़ का गढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि जनता जनार्दन
और जनता जनता क्या चाहती है, ये चीज़ सामने दिख रही है। और हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये गठ जो है ये टूटने वाला है, क्योंकि जनता हर तरह से परेशान है। एक 10 साल की बात ना करते हुए मैं 20 साल की बात करूंगी कि एलनाबाद के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। तो आपकी इच्छा है क्या चुनाव लड़ने की, आप रैली कर रहे हो, आप संघनाथ इसको कह सकते हैं लोकसभा विधानसभा का एलनाबाद से? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, और मैं लोगों के बीच गई हूँ, लोगों की समस्याएं भी सुनी है, और लोगों का उत्साह देख के ऐसे लग रहा है कि लोग भी चाहते हैं कि जो चेहरा है जो बदल के आए और जो एलनाबाद का विकास हो। मैं यही कहूंगी कि लोग विश्वास करेंगे और पार्टी विश्वास करेगी तो हम जरूर जो विधानसभा है उसमें उतरेंगे, और 100% जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट होगी उसको जीत के पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहिए? पिछले आप चुनाव कौन बेनीवाल ने लड़ा, उससे पहले भरत सिंह बेनीवाल है, वो उम्मीदवार थे, आपके पारिवारिक सदस्य ही हैं, तो उनकी क्या आप क्या मानते हैं कि उनकी किस तरह की नेगेटिविटी है कि जैसे लोग अब कह रहे हैं कि बदलना चाहिए चेहरा? देखिए, मैं तो और किसी की बात नहीं करूंगी, वो अपने हिसाब से इलेक्शन लड़े, चाहे भरत सिंह बेनीवाल की बात हो चाहे पवन बेनीवाल की, वो जो रहस्य है वो आपके सामने है कि जनता ने उनको कितना प्यार दिया है या जनता उनसे नफरत करती है। पर मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ तो मेरे को ये लग रहा है कि जनता का उत्साह है, और हर बच्चे बच्चे की जबान पे आज ये है कि संतोष बेनीवाल है। भरत सिंह बेनीवाल लगातार हर इंटरव्यू में एक बात कहते हैं कि उनकी टिकट काटी तो उसके बाद कांग्रेस ने हार देख लिया कि क्या रहा, तो दूसरा कोई कैंडिडेट जो 5,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा या जमानत भी नहीं बचा पाएगा, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जमानत, देखिए, जनता पे डिपेंड होता है, खुद पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी को। आज मैं भी आपके बीच में हूँ, चाहे भरत सिंह बेनीवाल भी आए, जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जनता जनार्दन होती है, ये बना सकती है तो ये गिरा भी सकती है। तो खुद को कैंडिडेट है उसको अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आशीर्वाद मिलना है वो जनता से मिलना है। तो क्या बड़ी इशू है इलाहाबाद के, बड़ा इशू क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इशू है एलनाबाद के अंदर, क्योंकि जो हमारे टेल पे गांव पड़ते हैं, कुछ एक आधा एरिया बाढ़ग्रस्त है और कुछ एक आधा एरिया है वो सेम का है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो किसान है वो बिल्कुल परेशान है, और दूसरा आप देख रहे हो कि नशा है जो हमारे क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है, क्योंकि आज जो युवा है उनके लिए रोजगार नहीं है और युवा नशे की गिरफ्त में है, सबसे बड़ी समस्या है। आज एक साइड आपकी भाजपा की बात करूंगी मैं, कि इन्होंने साइकिल चला के जो नशा मुक्त अभियान चलाने का काम किया था, तो हमने एक आवाज़ उठाई थी कि नशा ही बंद करना है तो या तो ऊपर से इस पे पाबंदी लगाई जाए, अरिया गांव गांव में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए जाए, क्योंकि जो आम नागरिक है, बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके घर इतना काम नहीं करते कि उनके एक वक्त की रोटी भी नहीं है उनके पास, और जो नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को छोड़ते हैं तो 12,000 रुपए उनकी जो फीस जमा करवानी पड़ती है। तो जो सरकार है इसने कोई भी किस तरह के काम नहीं किए, एलनाबाद की बात करो चाहे कहीं की बात करो, इनके वादे बड़े बड़े हैं पर काम इन्होंने नहीं किए। और तीसरी बात, जो हमारे राजस्थान बॉर्डर पे भी हमारे गांव पड़ते हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया पर आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान बॉर्डर पे हमारे गांव पड़ते हैं, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए सिरसा की जो दूरी है 50 किलोमीटर की वो तय करनी पड़ती है। तो हमने एक बात ये भी रखी थी कि जो चोपटा है उसमें डिग्री कॉलेज खुलवाया जाए। तो देखिए, समस्या तो बहुत सारी है, क्योंकि हर जैसे भी क्षेत्र में गए हैं तो समस्याओं का पता लगा है। अभी नशा पे आपने बात कही कि काबू नहीं हो पाया है, तो यहाँ से विधायक हैं या सरकार है उनको किस तरह के कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि नशा कंट्रोल हो सकता था? देखिए, सबसे बड़ा हाथ सरकार का होता है कि सरकार चाहे भी हमारा हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त हो तो एकदम रोक सकते हैं। भी नशे की बात कहीं भी आती है तो नशा रोकना ही सरकार का काम है, ये तो झूठे वादे करने के लिए आते हैं कि कभी साइकिल चला के नशा करते हैं बंद करते हैं, कभी कुछ ही करते हैं, ये तो ड्रामा कर रही है, क्योंकि जो ये सरकार है इनकी मनसा जो है वो अच्छी नहीं है।
तो यहाँ से विधायक ने कुछ प्रयास किए नशा को दूर रखने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से किसी विधायक ने प्रयास नहीं किया। एक की बात नहीं करूंगी मैं, 20 साल पे लेके जाऊंगी, किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया कि हमारा जो सिरसा हल्का हो वो नशा मुक्त।